दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं, मोदी सरकार ने पहला बड़ा फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में संशोधन किया गया है। और साथ ही आपको बता दें, बैटरी चालित और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अब नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क। और साथ ही आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने यह फैसला लिया है, बैटरी से चलने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। तो बैटरी से चलने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस देने से मुक्त कर दिया गया है। अब किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन फीस उन्हें नहीं देनी होगी। ये पहला बड़ा फैसला है मोदी सरकार का। तो आपको बता दें कि दोबारा से जब पीएम मोदी की सरकार बनी है, उसके बाद अब जो परिवहन मंत्री है, उन्होंने ये फैसला लिया है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कि बैटरी चालित या फिर जो भी बैटरी से चलते हैं वाहन, उन्हें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। नियमों में संशोधन किया है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जो नियम है उन नियमों में संशोधन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होंगे उन्हें अब रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त कर दिया गया है। परिवहन मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो वाहन बैटरी से चलते हैं उन्हें भी अब रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी हो। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, ये बड़ी खबर जहां पर मोदी सरकार की तरफ से अब ये पहला बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में संशोधन किया गया है और संशोधन के तहत जो है अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।